अखिल भारतीय शहीदाने सभा एक ऐसा नाम जो गुमनाम शहीद जिन्होंने ढूंढे और ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं, लगातार शहीदों के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है अखिल भारतीय शहीदान सभा। उनके जिला अध्यक्ष हैं राजुद्दीन जंग, इससे आप भली भांति इसको जानते भी होंगे। पत्रकारिता की दुनिया में अगर बात करें तो मेवात के एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं या सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और जो सामाजिक लोग होते हैं जो है लोगों के समाज के यानी कि अपना कुछ नहीं सोचते बल्कि समाज का भला करने की सोचते हैं। जिला अध्यक्ष हैं जो अखिल भारतीय शहीदाने सभा जिला मेवात के जिला अध्यक्ष हैं, आज क्या कहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शहीद राजा हसन खां मेवाती की जो प्रतिमा है उनका अनावरण भी किया है, और इधर मैं कहूँगा कि शहीदों की धरती जहाँ शहीद का नाम लिखा हुआ है वहाँ हम मौजूद हैं, वहाँ हम खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे जो बड़कली चौक पर कॉलेज है मेवात में नगीना में उसमें शहीद हसन खान मेवाती की प्रतिमा लगाई, उसका अनावरण आज किया। इससे पहले की जो सरकारें रही उनको हमने लिस्ट दी थी और एमडीए ने काम किया इस पर, और जो अब्दुल रहमान किदवई थे पूर्व गवर्नर रहे तो वो अब जिंदा नहीं है इस दुनिया में, जिस तरह हमारे अखिल भारतीय शहीदाने सभा के सरफुद्दीन खान मेवाती जिंदा नहीं है। उन दोनों की भागदौड़ और हमारे टीम का ये फल स्वरूप ये रहा कि आज जिले में 8-9 मीनारें बन चुकी हैं और ये 13 मीनारें उस दौरान में बनाई गई थी 2008 में, और 10 फरवरी 2009 का पत्थर भी लग रहा है यहाँ पर नगीना की मीनार पर। ऐसे ही पत्थर जिले की जो मीनारें बनी हैं उन सब पर लग रहा है, नाम अंकित है अखिल भारतीय शहीदाने सभा का। तो इसी तरह हम चाह रहे हैं कि 1857 की क्रांति के जो शहीद हैं, उससे पहले के शहीद हैं जैसे राजा हसन खान मेवाती 17 मार्च 1527 को भरतपुर राजस्थान के खानवा मैदान में राणा सांगा का साथ देते हुए बाबर के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे, आज उसकी प्रतिमा लगी है, उसके नाम पर कई योजनाएं भी आने वाली हैं, ये अच्छी बात है। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, आज हमारी टीम यहाँ पहुँची और शहीदों को हमने भी यहाँ आकर नमन किया है, और हमारी कोशिशें ये होंगी कि जो और गुमनाम शहीद रह गए उनको भी हम ढूंढ के जल्दी ही उनकी प्रतिमाएं और उनकी मीनारें भी अपने जिले में मेवात में चाहे पलवल में चाहे फरीदाबाद में गुरुग्राम में चाहे अलवर में चाहे भरतपुर में वहां भी लगवाएं। तो अभी आपकी जो अखिल भारतीय शहीदाना सभा है, क्या आप लोगों का लक्ष्य क्या है, क्या टारगेट है? आप बता रहे हैं भाई 13 मीनार हमने पूरी करवा दी हैं, आगे क्या उद्देश्य है आपका? हमारा 40 साल से सरफुद्दीन खान मेवाती का एक सपना था कि जो हमारे शहीद हैं 1857 के चाहे 1947 के सबसे ज़्यादा कुर्बानियां मेवात के लोगों की रही, चाहे इंडिया गेट को आप देखोगे तो वहाँ 92,000 नाम लिख रहे हैं, उनमें जो 90% नाम हैं वो मुसलमानों के हैं और ख़ासकर जो उलेमा हैं उनके हैं कि आज के दौर में जो अच्छा क्या सोचते हैं आप, यानी कि कुछ सरकारें होती हैं, चलो ठीक है मनोहर सरकार ने ये कार्य किया है, शहीद का दर्जा शहीद राजा हसन खां मेवाती को दिया है जी, लेकिन क्या मेवात से आज भी कुछ लोग हैं जो वतन परस्ती का सबूत मांगते हैं? चलो ये तो वक्त के हिसाब से चीजें होती है, नहीं तो आप जो मीनार यहाँ लग रही है आपके सामने इस पे नाम आप देखोगे हिंदू भी है मुसलमान भी है, जो मेवात की देशभक्ति है वतन परस्ती है वो बेजोड़ है, उस वो बेमिसाल है, उसका कोई सानी नहीं है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सब मेवाती एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े मुगलों के खिलाफ लड़े और जो भी ताकत ऐसी रही जो देश को तोड़ने वाले रही उनके खिलाफ लड़े। तो मेवात तो गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है, बाग है, तो इस बाग को आज एक नई ऊर्जा मिली है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई मेरा परिवार है मेवात। अपनी तरफ से युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो मेवात के युवा हैं? मेवात के युवाओं का हमारा मैसेज ये है कि वो राजा हसन खान मेवाती जो हमारे शहीद हैं तो उनकी प्रतिमा लगी है, उनके बारे में जाने, पत्थर भी लगा है, और हमारी कोशिश होगी कि जो ये कॉलेज है नगीना का ये पीजी कॉलेज है इसमें शहीद हसन खान मेवाती
से संबंधित और हमारे जो 1857 की क्रांति के जो शहीद हैं, गुमनाम शहीद हैं, उन सब की किताबें यहाँ हो इस लाइब्रेरी में। और हम तो ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा अनुरोध है, जो संग्रहालय हसन खान मेवाती के नाम से या 1857 की क्रांति के नाम से बनना है वो इसी कॉलेज में बनाइए और इसका कॉलेज का नाम भी शहीद हसन खान मेवाती के नाम पे रखिए। और दूसरा, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री जी से, मनोहर लाल जी से अनुरोध करता हूँ कि जो नूह से, गुरुग्राम से नूह होते हुए, दिल्ली होते हुए अलवर तक हमारा जो हाईवे जाता है 248A, उसका नाम भी आप अमर शहीद राजा हसन खान मेवाती के नाम पे रखिए, क्योंकि इस लकीर को और लंबा करना है, पूरे देश में फैलाना है इस बहादुरी को, वतन परस्ती को और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की। अच्छा, अखिल भारतीय संविधान सभा द्वारा पहले प्रयास किए गए हैं, महू गांव की मैं बता दूं कि महू गांव में भी बड़ी मीनार बनवाई गई है या और भी गांव, तो वहां पे क्या है कि गंदगी बहुत पसरी हुई है मीनारों के चारों ओर, यानी कि लोग भी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते, तो आपकी संस्था द्वारा क्या कोई ऐसा नहीं जाया जाता या उन मीनारों पर भाई आपने बनवा दी, लाखों रुपए उसमें लगवा दिए, लेकिन लोग पता नहीं कौन सी दशा में जा रहे हैं, कौन सी दशा में भटक रहे हैं? मैं आपको बता दूं, ये मीनारें, चाहे आप फिरोजपुर जिरका चौक की बात करोगे, चाहे दोहा की करोगे, चाहे रावली की करोगे, चाहे महू की करोगे, चाहे नगीना की करोगे, चाहे आप नंगली की बात करोगे, चाहे आप नूह की बात करोगे, चाहे आप रूपड़ाका की बात करोगे या अहिर वा की बात करोगे, तो इन सब जगह हम मीनार बनवा चुके हैं अखिल भारतीय संविधान सभा। और जो जो साफ सफाई और जो बेकदरी की आप बात सवाल उठा रहे हो, अभी हाल ही में हमने उनका दौरा किया है, फोटोग्राफी की है, उन सब की फोटोग्राफी के बाद एक रिपोर्ट हम जल्दी प्रशासन को सौंप रहे हैं, बाकी हम बीच बीच में अवगत कराते रहते हैं जो स्थानीय अधिकारी उनको।